ही नहीं रहा, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। क्या बकवास करी, क्या कह रही है तू? अरे सुना तुमने, हमारे कृष्ण के पीरियड्स आ गए। अरे हाँ, अभी दादी, पीरियड्स तो महसूस साइंस ही होते हैं, ये कैसा पीरियड है? अरे बेटा, ये तुम्हारे बॉडी का पीरियड है, इसका मतलब ये है कि अब तुम बड़ी हो रही हो। नहीं, मुझे और हाइट नहीं बढ़ानी, रोहन ऑलरेडी मुझसे एक इंच छोटा है। अरे नहीं, अब तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, अब तुम्हारा ये समझ लो कि तुम्हारे अब स्पोर्ट्स ब्रा पहनने के दिन गए, अब तो तुम लेस, अंडरवायर। ईशा बेटा, ईशा जा, जल्दी से पहन, जा। बहू, सन 1920 से फोन आया था, वो तुम्हें वहां वापस बुला रहे हैं। मतलब मेरे पास फर्स्ट पीरियड किट है, ये मैंने देखते ही कृषा के लिए खरीद लिया था, सोचा ना जाने कब मौसम बदल जाए, और देखो आज हो गई बारिश। किसी नॉनवेज बातें करने लगी हाँ मम्मी जी। हाँ देखो, हाँ हेलो, मैं होल्ड कर रही हूँ। या दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा सुनो, एक काम करो, ये जो है ये पहन लो, ठीक है? और देखो इस बुकलेट में दिखाया है कैसे पहनते हैं, जाओ ये पहनो और जल्दी से वापस आ जाओ चेंज करके, हमको बाहर जाना है। हाँ कोटीजा मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, मैं कृषा की मम्मी बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, 84% वाली नहीं, 84.5% वाली। या अच्छा, क्या है ना कि कृषा कांट कम फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, नहीं शी हैज स्टार्टेड हर मेंसेस। ममता फोन नीचे रखो। अच्छा क्या है ना, मेरी सास आई। फोन नीचे रखो। फोन करती अभी। क्या है मम्मी जी? अरे तुमने मना कर दिया। हाँ। एक बार उसे पूछ तो लेती, वो बिचारी तो नींद में अपने स्टेप्स रिवाइज कर रही है, स्लीप डांस करते करते सुनीता के यहाँ पहुंच गए और तुम हो मना कर दिया। मम्मी जी उसके वो दिन आए हुए हैं, वो दिन का मतलब आप समझती हैं? अभी वो मंदिर जाएगी, पौधे चूल्हे फूल मुरझा जाएंगे, स्टेज पे ऊंच नीच हो गई, अरे स्टेन लग गया तो क्या करेंगे, कैसे जा सकते हैं हम लोग? नहीं हम नहीं जा रहे, बस खत्म। हम नहीं जा रहे क्या? नहीं। ठीक है फिर मैं मूंछों में मेहंदी नहीं लगाऊंगा। हाँ। सुनील हम जा रहे हैं, और तुम सिर्फ मूंछों में नहीं अपने आईब्रोज में भी मेहंदी लगाओगे, जाओ। माता जी को क्या हुआ, इनके तो होता भी नहीं है। और मैडम ये क्या, वो दिन क्या लगा रखा है? अरे लड़की को पीरियड्स आए हैं, नॉर्मल है, हर औरत को होता है। आपको एक आइडिया दूं, आप जो चार दिन के लिए आई है ना, इनको दो बातें सुनाइए और उसको दो कहानियां, और तुमने बड़े अपने माँ का फर्ज निभा लिया, उस बिचारी को बताया भी नहीं कि पीरियड्स होते क्या, अब सब मुझे समझाना पड़ेगा उसे। अरे कृषा बेटा, मुझे थोड़ी देर सिट डाउन करना है, मेरा पेट। अरे रे 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 रे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये अच्छा यहाँ बैठ जा, ठीक है? और अब तुम यही बैठी रहना, ठीक है? और देख रसोई में तो बिल्कुल भी मत जाना, और अगर वॉशरूम यूज करना है ना तो बाहर। सठिया गई है क्या तू? क्यों हा? क्या कर रही है तू? चलो उठो। क्या कर रही है आप? तुम्हें जहाँ बैठना है जैसे बैठना है बैठो, चलो बैठो वहाँ पे बैठो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ बैठेगी, मेरी माँ ने जो हमें सिखाया मैं वैसे। तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें यही गलत सलत सिखाया था तो उसे जाके बदला लो ना, मेरे बच्चे को क्या। मेरे संस्कार मेरे बच्चे में आएंगे कि आपके संस्कार आएंगे? अरे संस्कार की बात करिए, अंधश्रद्धा है सारी, तुम्हें समझ में नहीं आता। मैं ऐसी करते माँ जी, प्लीज स्टॉप इट। इज दिस अ फिश मार्केट? मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा इनसाइड आउटसाइड जा रहा है, मेरा सर राउंड राउंड जा रहा है, मुझे रोना भी आ रहा है। नहीं एक्चुअली ना मुझे बहुत सारी चॉकलेट खानी है, बहुत सारी। लो अब तो माता भी आ गई, वही जिसे आप पीएमएस कहती हैं। क्या मुझे दो दो बीमारी है? अरे नहीं बेटा, ये बीमारी नहीं है, पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पीरियड्स के पहले होता है। हाँ पता है, और पीरियड्स के दौरान ना बेटा मूड स्विंग्स होते हैं। पर ये सब मेरे साथ ही क्यों? अरे बेटा औरतों को बहुत सहन करना पड़ता है, सीता मैया ने कितना जब। बस सुनो बेटा, नेचर ने ना औरतों को बहुत स्ट्रांग बनाया है, और उसने औरतों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बच्चे पैदा करने के लिए, और बच्चे पैदा करने के लिए एग्स चाहिए होते हैं। क्या अब मैं मुर्गी बन गई हूँ? नहीं चाहिए मुझे ऐसी शक्ति, नहीं करने मुझे ऐसे बच्चे पैदा, और नहीं बनना मुझे शक्तिमान। चुप चुप बोल, अपनी मम्मी को नानी नहीं बनाएगी? अरे एक मिनट, चुप कर। क्या है कि नेचर अंडे बना के रख देता है, जैसे जैसे तुम्हारी माँ
रोज सुबह ये फीके पोहे बना के रख देती है। खाना नहीं खाना वो हमारे ऊपर है, मैं तो खाती नहीं, देखो वहां धरे पड़े हुए हैं। मैं तो कल से बनाऊंगी नहीं, मन आए खाओ नहीं तो नहीं खाओ, भूखे मरो। हाँ, ये क्या जबरदस्ती है, अगर अंडे चाहिए होते तो बाजार से ही खरीद लेते। अरे बेटा तुम्हारे बॉडी में ना अभी अभी चेंजेस हो रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद तुम्हें आदत सी पड़ जाएगी। ये फिर से होगा? हाँ बेटा, तभी तो इन्हें मंथलीज कहा जाता है, हर महीने 6-7 दिन के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे, खत्म। एक मिनट, ये आप दोनों को पता था और आप मुझे अब बता रही हो? दादी आपने मुझे सीक्रेट रखा। बेटा दादी कैसी है? अरे चलो मैं रेडी हो गया, निकले। कोई कहीं नहीं जाने वाला, मैं पहले बोल रही हूँ। पापा, पापा मुझे पीरियड हो गए, मुझे नहीं चाहिए। ओ, तेरे पीरियड्स? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम रास्ते में ना स्कूल चलते हुए आइसक्रीम ले लेंगे। ये सब क्या बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था अंदर जाकर बैठो, कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, जाओ अंदर जाओ, इसको इस हालत में कहीं नहीं लेके जाओगे। अरे पर ममता जाना तो पड़ेगा ना। क्यों? अरे वरना वो पवी सेंटर पोजीशन ले लेगी और ये वाला स्टेप तो वो कभी ढंग से नहीं करती है। तुम पे पाप चढ़ेगा, खराब डांस के लिए भी और इसे और इसको ले जाने के लिए भी। संजय बेटा 70 साल की हो गई हूँ, पता नहीं ऊपर वाला मुझे कब बुला ले। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार मैं कृषा का डांस परफॉर्मेंस देखना चाहती थी, पता नहीं अब वो मेरे नसीब में दिखा भी है या नहीं। मोहल्ले को साथ में ले जाओ, लेकिन याद रखना कि अगर वहाँ पे कोई ऊंच नीच हुई तो मेरे पास रोते हुए मत आना।